क्यूरियस लर्नर, आज हम क्या करेंगे? परस्यूइंग सोशल जस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ इन अ सोसाइटी डीप एंड अ परसिस्टेंस डिवीजन एग्जिस्ट बिटवीन दोज हु एंजॉय ग्रेट वेल्थ एंड प्रॉपर्टी एंड द पुअर एंड विच गोज विद अ सच ऑनरशिप एंड दोज हु आर एक्सक्लूडेड और डिप्राइव्ड, वी वुड से दैट द सोशल जस्टिस इज लैकिंग देयर। अगर हम सोसाइटी को ध्यान से देखें, डीप डिवीजन करेंगे, भाई एक तरफा तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, ग्रेट वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, और एक ऐसे भी हैं जिनके पास पावर है, ऑनरशिप है उनके पास, और ऐसे भी हैं सोसाइटी में, अगर डिवाइड किया जाए कि एक्सक्लूडेड और डिप्राइव्ड सोसाइटी में ऐसे भी लोग रहते हैं। यानी कि ये देखकर हम ये बोल सकते हैं सोसाइटी में कमी है किसकी? सोशल जस्टिस की कमी है। वी आर नॉट अ टॉकिंग हेयर मेरे इंजॉयड बाई डिफरेंट इंडिविजुअल इन सोसाइटी। हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि एक सोसाइटी में कौन किस तरीके से, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, हम इस तरीके से, इस पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे। जस्टिस डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वालिटी। जो जस्टिस है वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं करती। सेमनेस इन द वे इन विच अ पीपल लिव, बट द सोसाइटी वुड बी कंसिडर अनजस्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर आर अ सो ग्रेट दैट दे सीम टू बी अ लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टूगैदर। तो भाई यहाँ पे अनजस्ट माना जाएगा कि एक ही सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गरीब लोग रह रहे हैं, एक ही सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा अमीर लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनमें, ये जस्ट अनजस्ट माना जाएगा। सो ग्रेट दे सीम, तो ऐसा लगता है कि वो एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, मगर उनका उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एंड इफ द रिलेटिवली डिप्राइव्ड हैव नो चांस एट ऑल टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, हाउएवर हार्ड दे मे वर्क, वो कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं अगर उनको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा, ठीक है, वो कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए। इन अदर वर्ड्स, अ जस्ट सोसाइटी शुड प्रोवाइड पीपल विद अ बेसिक मिनिमम कंडीशन। तो जो जस्ट सोसाइटी में क्या किया जाता है, जो लोगों को जो बेसिक मिनिमम कंडीशन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अनेबल हो सकें हेल्दी और स्क्योर लाइफ जीने के लिए, और अपने टैलेंट्स को वो डेवलप कर सकें और इक्वल अपॉर्चुनिटी को वो परस्यू कर सकें और चूज कर सकें और उनको अचीव भी कर सकें। हाउ कैन वी डिसाइड व्हाट आर द बेसिक मिनिमम कंडीशन ऑफ लाइफ नीडेड बाय पीपल? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो बेसिक मिनिमम कंडीशन है एक सोसाइटी में वो कौन सी है और कौन सी चाहिए लोगों को लाइफ में? वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेशन द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल हैव बीन आर डिवाइज्ड बाय अ डिफरेंट गवर्नमेंट एंड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड लाइक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग जो ये नीड्स हैं, मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड के थ्रू इनको कैलकुलेट किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने देखा है। बट इन जर्नल, अगर हम जर्नल तरीके से देखें, इट इज़ एग्रीड दैट द बेसिक अमाउंट ऑफ अ नरिशमेंट नीडेड टू रिमेन हेल्थी। तो हम ये इस बात पे सहमत होंगे कि जो बेसिक अमाउंट्स है नरिशमेंट के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हाउसिंग ज़रूरी है, घर ज़रूरी है, साफ पानी पीने के लिए होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, मिनिमम वेज होना चाहिए, विच कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बेसिक कंडीशन, ताकि उनको जो ये जो बेसिक पार्ट्स सभी वो कर सकें। प्रोवाइडिंग पीपल विद देयर बेसिक नीड इज़ अ कंसिडर टू बी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कौन फुलफिल करती है? ये सिर्फ जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी गव सॉरी सोसाइटी नहीं गवर्नमेंट होती है वही प्रोवाइड करती है। हाउ एवर प्रोवाइड
बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ टू ऑल सिटीजन्स मे पोज अ हैवी बर्डन ऑन गवर्नमेंट, मगर ये मुश्किल भी हो सकता है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन है कि सभी को प्रोवाइड करना बेसिक कंडीशन, ये सभी सिटीजन को ये एक तरह का बर्डन भी हो सकता है, पर्टिकुलरली इन अ कंट्रीज, जैसे कि कंट्री हमारे इंडिया में, क्योंकि जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है ना, जहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा पुअर देखे जाते हैं. ओके, इवन इफ वी ऑल एग्री दैट अ स्टेटस शुड ट्राई एंड हेल्प द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू एंजॉय सम डिग्री ऑफ इक्वालिटी विद अदर, अगर हम देखें, अगर हम इस बात पे एग्री हों कि हमें ट्राई करना चाहिए, स्टेट्स को, गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए हेल्प करनी, किसकी, जो डिसएडवांटेजेस मेंबर हैं सोसाइटी के, उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी इक्वालिटी का मज़ा ले सकें सोसाइटी में. डिसएग्रीमेंट कुड स्टिल अराइज रिगार्डिंग द बेस्ट मेथड ऑफ अचीविंग दिस गोल, तो ये जो डिसएग्रीमेंट है तो ये हो सकता है, ठीक है, ये जो गोल्स है इसको अचीव करने के लिए आपको डिसएग्रीमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है. डिबेट इज अ करंटली गोइंग ऑन इन आर सोसाइटी, अब सोसाइटी में आपको इस तरह की डिबेट्स भी देखने को मिलेंगी, एज वेल एज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के संसार के और पार्ट्स में भी, अबाउट वेदर कंपटीशन प्रमोट करना फ्री मार्केट के थ्रू, और बी द बेस्ट वे टू हेल्पिंग एंड डिसएडवांटेजेस विदाउट हार्मिंग द बेटर ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि भाई सभी को खुला छोड़ दो, क्या कर दो, कंपटीशन करने दो. ओके, और वेदर द गवर्नमेंट शुड टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अ बेसिक मिनिमम ऑफ टू द पुअर, और क्या ये जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ये जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनको बेसिक मिनिमम जो नीड्स हैं उनकी पूरी करनी चाहिए. If necessary, even through a redistribution of the resources, अगर इनको resources की ही redistribution कर दिया जाए, फिर in our country these different approaches are being supported, ये जो different approaches हैं वो अपनाएगी हमारी country में अलग अलग political groups ने, who debated the relative merits of different schemes, जो वो अलग अलग स्कीम लेकर आए जिससे वो जो marginalized section थे उनकी वो help करना चाहते थे, population such as a rural, जो कि rural और urban poor हैं उनकी, we will briefly examine this debate, तो ये इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ओके, तो ये देखो भीमराव अंबेडकर जी का क्या कहना है. भीमराव अंबेडकर जी, ये हैं भीमराव अंबेडकर जी, द आर्किटेक्ट ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अ जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच अ असेंडिंग सेंस ऑफ अ रिवरेंस एंड अ डिसेंडिंग सेंस ऑफ अ कंटेम्प्ट टू डिसॉल्व इन टू द क्रिएशन ऑफ द कंपैशनेट. भाई वो जस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, वो बोलते हैं दैट सोसाइटी, भाई जस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी होगी जिसमें असेंडिंग में क्या होता है, यानी कि जैसे असेंडिंग में सबसे असेंडिंग में यानी कि छोटा बड़ा ये ऐसे है ना, असेंडिंग में यानी कि ये 1 2 3 4 5 ये क्या असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये क्या है सेंस ऑफ रेवरेंस. ओके, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ये डिसॉल्व कर दिया जाए, जो डिसेंडिंग है ये इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, और क्रिएशन करना किसका, कंपैशनेट सोसाइटी का, यही जस्ट सोसाइटी है. कौन बोलते हैं, ये भीमराव अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी का ये व्यूज़ हैं सोशल जस्टिस के बारे में. आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.